ਨਿਰੰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਈਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਫਜ਼ਲ ਸ਼ਰੀਫੀ ਪੈਦਾ ਕਰਾ ਦਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ शिप्ला मैडम ने मुझे बुलाया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। काफी सहयोग करती हैं आर्डिजनों का और उनको इज्जत भी देती हैं, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी जो कला है वो इस तरह की है कि आप किसी भी तरह के कपड़े पहने रहें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। काम करें घर के अंदर, मेहमान आ जाए, अपना ठिया उठाकर रख के उन्हीं कपड़ों में बच्चों के साथ बैठ जाए, मेहमानों के साथ बैठ जाए। ये इस तरह की हमारी कला है और बहुत अच्छी कला है। हमारे बुजुर्ग इसको बादशाह का नाम देते थे, बादशाही कला है। वो देते क्यों थे कि कपड़े इसमें ना कोई प्रदूषण है और ना ही किसी तरह का कोई खतरा है, बहुत अच्छी कला है। जिस वक्त हम अपनी कला दादा के पास सीखने गए, जैसे भी आपने सुना, तो हम उस वक्त 12 साल के थे, लेकिन करना तो नहीं आते थे लेकिन बिगाड़ करते थे। बाद में आने के बाद दादा हमें थोड़ा टाइट भी करते थे, क्या कर दिया, लेकिन हम अधूरे रह गए थे इसलिए कि हमारे दादा का इंतकाल हो गया था। फिर हमने अपने चाचा सीखी, जो मोहल्ले के लोग थे उनसे सीखी। कला हमारी पहले जो थी नक्काशी की, और उसे इस तरह से पौधे करते थे रंग से कि उसके अंदर कोई फिनिशिंग नहीं आती थी, लेकिन आज इस तरह की फिनिशिंग है, नया नया डिजाइन बनना है, नया नया उसके अंदर बदलाव हो रहा है। जैसे कि पहले कलर लगा दिया उसको भट्टी पर रख के, लेकिन आज उसी कलर के अंदर चार चांद लग रहा है, क्या बदलाव आया। आज उसके अंदर चांदी भी चढ़ाई जाती है, सोना भी चढ़ाया जाता है, गोल्ड जो होता है और चांदी दोनों अलग अलग करके उसमें दिखा दिए जाते हैं, जिससे पॉइंट जो है बहुत अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है, देखने में अच्छा लगता है। ग्राहक जो है उसे देख के एकदम लपकता है कि ये बहुत अच्छी चीज है। ये पहले से इतना बदलाव आ गया है। पहले हमारे जो बुजुर्ग थे वो ये नहीं जानते थे कि इसके अंदर सुधार कैसा आएगा। आज मैंने उसके अंदर एक चीज और नई करी है। हमें पूरा पूरा दिन लग जा रहा था डिजाइन लिखने के अंदर, लेकिन अब हमने क्या किया, हम थोड़ा सा डिजाइन बनाते हैं 2 इंच 4 इंच बहुत से बहुत, और हमें बनाना है वो 1 फुट में, तो हम कंप्यूटर का सहारा लेते हैं। हम वो डिजाइन कंप्यूटर वालों को दे देते हैं, जिससे कि हमारा पूरा दिन बच जाता है, घंटे 2 घंटे में हमारा काम हो जाता है। ये पहले से अब ये बदलाव आया है, तो इससे जो है हमारी कला अच्छी भी हुई है और निखर के भी आई है। आज सरकार का हमारी कला पे बहुत ध्यान है, और भी कलाओं में भी है, लेकिन मैं इंदिरा गांधी पिस्तान में स्टॉल लगाया हुआ था, वहां पर मेरे आइटम रखे थे। प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने उनको देखा, तारीफ करी कि अच्छे प्रोजेक्ट है आपके, अच्छे आइटम है। उसके बाद प्रधानमंत्री स्टॉल पे 2-4 मिनट रुके, फिर मैं एक दिन के बाद अपने घर आ गया। आने के बाद मेरे पास नखरों से फोन आता है कि आपकी स्टॉल पर एक ब्लैक कलर का मटका रखा था। मैंने कहा जी हाँ रखा था। बोले आप वो भेजिए, प्रधानमंत्री जी को वो पसंद आ गया।
पसंद आ गया है, आप भेजिए। मैं कहा ठीक है साहब। मैंने वो भेज दिया साहब। बोले जर्मन लेके जाएंगे, वहां के देंगे। तो फिर तो मेरी खुशी का आलम ने पूछिए, घर में भी ऐसे हो गए। तो आज हमारी कला में इतना बदलाव आ गया कि हमारी कला प्रधानमंत्री जी पसंद कर रहे हैं और फिर वो जर्मन जा रही है। पहले से इतना बदलाव आ गया, इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि हमारी कला जर्मन पहुंचाई। ये हमारे लिए और हमारे मुरादाबाद के और हमारे जितने भी कलाकार हैं उनके लिए बहुत खुशी की बात है। आज मेरा जो मटका है वो इतना फेमस हो गया है, मैं कहीं भी अगर स्टॉल लगाता हूं और सामने रखता हूं ये वो मटका है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी जर्मन गए थे लेकर गिफ्ट देकर आए थे। तो मैं कभी वो 10,000 का बेचता था, आज 18,000 20,000 22,000 का बिकता मेरा वो। क्यों? क्यों जर्मन चला गया, उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी का हाथ लग गया और उनको पसंद आ गया। तो हमारी कला में पहले से बहुत बदलाव आ गया है और अब भी मैं नई नई चीजें उसके अंदर ढूंढता रहता हूं जिससे कि और अच्छा हो जाए। लेडीज मेरी शागिर्द बहुत है, एवाडी भी है और जेंट भी है, लेकिन जेंट कम है। लेडीज के अंदर एक चीज पाई जाती है, जब हम काम सिखाते हैं तो टाइम पर आती हैं और अच्छे से बच्चे सीखते हैं। जेंट में वो चीज नहीं पाई जाती, वो टाइम होता इतना नहीं दे सकते देते। तो मेरा भी मन चाहता है कि उनको अच्छे से सिखाऊं, उनको अच्छे से मैं सिखाऊं, बहुत अच्छा लगता है। उससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि लेडीज फर्म में जा रही है काम करने, 200 रुपए में, 300 रुपए में, कई कारखाने में जा रही है और हमारी कला सीखने के बाद अपने घर के अंदर बैठ के काम कर लेना, मैं समझता हूं बहुत बड़ी बात है। इसी वजह से मैं लेडीज में बहुत ध्यान देता हूं और आगे भी देता रहूंगा। सेंटर अगर मैं नहीं भी चलाता हूं तो घर में लेडीज आती रहती हैं और वो काम इस तरह से सीखती है। जब से हमारा मटका मोदी जी लेके गए हैं प्रधानमंत्री साहब, तो मेरे घर पे लेडीज बहुत आने लगी है, अब सीखने जेंट भी आने लगे बहुत, क्योंकि वो समझ रहे ना कि एक टाट पे बैठने वाले दस्कार, मतलब टाट पे बैठने वाला दस्कार, मैं आपसे क्या कहूँ कि साहब कालों में बैठता हूं, लेकिन अल्लाह ने ऐसा नवाजा कि कला मेरी इतनी पसंद आई और आज भी लेडी से बहुत आती हैं, जेंट भी आते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि जेंट कम टाइम देते हैं, लेडीज ज्यादा टाइम देती है और उसका उसको हो गया है। अगर जैसे कि कुछ मैं काम ये भी करता हूं लेडीजों के साथ जेंटों का, कि जो आर्टिजन 60 साल के हो जाते हैं तो उन्हें एक सरकार पेंशन देती है 500 रुपए महीना। मैं वो आर्टिजनों की पेंशन कहीं उन्हें ना भेज के घर पे फार्म रखता हूं, वही सब तैयार करके और उसमें जमा कर देता हूं। इस तरह के उनको पैसे भी 200-250 मिलती है। आर्टिजनों के बीच में रह के आर्टिजनों का काम भी करता हूं, उनके आर्टिजन कार्ड भी बनाता हूं, जिससे कि एक उनको पहचान मिल जाती है कि ये आर्टिजन है। अच्छा स्टॉले लगाते हैं, स्टॉलों की भी उनको जानकारी देता हूं, जिससे कि स्टॉल लगाए आप सरकार जो है उसमें 10,000 रुपए भी आने जाने के देती है और अपना माल बिके लोगों को मिलता है, अपना वो उनका अपना हो गया। तो इस तरह के आगे बढ़ा रहा हूं काम को, अपने अपने बच्चों को भी सिखा रहा हूं, जिससे कि लेडीज और जेंट्स अपने पैरों पर खड़े हो जाए।
लेडीज पे ज्यादा ध्यान इसलिए दिया जाता है कि वो घर में रहते, बोलिए घर में रहने के बाद उनका काम हो जाए। इस तरह का मैं नंबर भी देता हूँ लोगों को अपने, कि अगर भाई से मालूम करना चाहे अवार्ड के बारे में, मालूम करना चाहे कि अवार्ड कैसे मिलता है, उसमें क्या करना पड़ता है, मैं उसकी भी जानकारी देता हूँ कि स्टेट अवार्ड है, नेशनल है तुम्हारे, तो मैं घर बेटी से बैठी है मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि जो कला भी जानती है आप, उस कला को आगे बढ़ाएं, उसको अच्छे से बनाएं। ऐसा नहीं है आप किसी से पीछे हैं, उस कला को अच्छे से बनाएं और बनाने के बाद उसको अवार्ड के लिए रखें। कुछ नहीं करना है, अपना फीस बनाना है और जिला दो कैंप में जमा करना है, वो आपका जमा हो जाएगा, वहां से पास होके वो कानपुर चला जाएगा और उसके बाद वहां जब हो जाएगा तो आपको इत्तला आ जाएगी। ये तो है स्टेट की बात, वही शकल नेशनल की है, उसमें भी यही शकल है। तो मैं कहूंगा कि अपने अपने जितने इस काम करने वाले लेडीज हैं, जेंट हैं, अच्छे से बनाएं और इसका ख्याल उठाए। मेरा नंबर नोट कर ले, अगर कोई जानकारी करनी हो तो इससे फोन पे भी कर सकती है, मैं बता सकता हूँ, कर सकते हैं 9897918264। अपनी बात मैं खत्म करता हूँ, कोई अगर किसी को जानकारी करनी हो तो कर सकते। अभी आप लोग देखो, अभी गेस्ट स्पीकर्स अपने टॉपिक के बारे में बताएंगे, तो आप लोग का एक क्वेश्चनेयर सेशन भी होगा जिसमें आप लोग अगर उनसे कोई भी क्वेरी है तो आप उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो ऑलवेज कीप इन माइंड, जो भी पॉइंट्स होंगे, जो भी आप लोगों को आगे कुछ पूछना हो, कोई क्वेरी हो आगे के लिए। ऑलराइट।